आईपीएल में पाक प्लेयर्स के खेलने की है हसरत, बस इसके लिए छोड़नी होगी नफरत। पाकिस्तानी लेजेंड क्रिकेटर ने नहीं खोया है यकीन का दामन, उन्हें है पूरी उम्मीद कि एक दिन होगा अमन। चैंपियंस ट्रॉफी पर भी कह दी बड़ी बात, भारत पाक चाहे तो निकलेगा रास्ता, फिर दिखेंगे एक साथ। अगले साल यानी 2025 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने वाला है। उम्मीद ये की जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का शेड्यूल फरवरी से मार्च के बीच होगा, लेकिन साल भर पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर माहौल गर्म हो चुका है। इसकी बड़ी वजह भारत है, क्योंकि टीम इंडिया पॉलिटिकल वजहों से काफ़ी सालों से पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रही। इसकी पूरी उम्मीद भी जताई जा रही है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने जाएगी। वहीं पाक क्रिकेट एक्सपर्ट्स फिर से हाइब्रिड मॉडल पर अपना विधवा विलाप भी करते नजर आ रहे हैं। जाहिर है भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में काफ़ी खटास बनी हुई है, यही वजह है कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई भी बायलेटरल सीरीज नहीं खेलता। सिर्फ एशिया कप और आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भी भारत पाक की भिड़ंत देखने को मिलती है, बाकी क्रिकेट के तौर पर भी दोनों ही मुल्कों के बीच कोई रिश्ता देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि अब ये सवाल उठते जा रहे हैं कि पिछले एशिया कप की तरह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी कहीं हाइब्रिड मॉडल न तैयार हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर से कम नहीं। इसी बीच पाकिस्तान के क्रिकेट लेजेंड और एशियाई डॉन ब्रैडमैन कहे जाने वाले जहीर अब्बास ने भारत पाक मैच को लेकर और आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पार्टिसिपेंट्स को लेकर बड़ी बात कही है। उनकी हसरत है कि फिर से पाक प्लेयर्स के लिए आईपीएल के दरवाजे खुले। पाक दिग्गज जहीर अब्बास का मानना है कि अगर दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल देती है तभी भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेल सकती है। जहीर अब्बास खेल को ऐसा जरिया मानते हैं जिससे भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार लाया जा सकता है। जहीर अब्बास ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा, जो भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती है, ऐसे में भारत पाकिस्तान टीम के वहां आने की उम्मीद कैसे कर सकता है। इस तर्क का कोई मतलब नहीं, पाकिस्तान को भारतीय टीम की मेजबानी करे बहुत साल बीत चुके हैं। पाकिस्तान की कमान अब नए पीएम शहबाज शरीफ के हाथों में है और भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद दोनों गवर्नमेंट आपस में बात कर इस मसले को सुलझा सकती है। मुझे ऐसी वजह नज़र नहीं आती कि दोनों टीम आपस में क्यों नहीं खेल सकती, बस दोनों सरकारों का इरादा सही होना चाहिए। इसके अलावा जहीर अब्बास ने यह भी कहा, आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में आने से पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत फायदा मिल सकता है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने से दोनों मुल्कों की सरकार के रिश्ते भी बेहतर हालात में आ सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में सुधार लाने के लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा लिया गया, लेकिन हर बार की तरह भारत को इसमें नाकामी ही हाथ लगी, तभी जाकर दोनों ही मुल्कों के बीच अब तो क्रिकेट का रिश्ता भी नहीं रहा। ये बात हैरान कर देने वाली है कि भारतीय टीम आखिरी बार पाकिस्तानी दौरे पर 2005-06 के समय गई थी। उस दौरे पर दोनों टीमों के बीच 3 टेस्ट मैच और 5 वनडे मुकाबले खेले गए थे। टेस्ट सीरीज का पहला और दूसरा मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन तीसरे मैच में 341 रन से जीत दर्ज कर पाकिस्तानी टीम ने सीरीज पर 1-0 से कब्जा जमाया था। वहीं वनडे सीरीज में पहला मैच पाकिस्तान ने जीता, लेकिन बाकी के 4 मुकाबलों में टीम इंडिया विजयी होकर सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर चुकी थी। बेशक दुनिया भर के भारत पाक फैंस की यही हसरत है कि दोनों ही टीमें ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ मैच खेलें, लेकिन यहां अगर कहा जाए तो पाकिस्तान का मंसूबा कभी भी साफ नहीं रहा, हर बार भारत को धोखे का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि भारत की सरकार ने साफ तौर पर टीम इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया और इसका खामियाजा पाकिस्तानी टीम और उसके खिलाड़ी भुगत रहे हैं। आईपीएल कोई नहीं लीजिए, हर पाकिस्तानी प्लेयर इस टूर्नामेंट में खेलने की हसरत रखता है, लेकिन दुनिया भर के सभी प्लेयर दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग खेलते हैं सिवाय पाक प्लेयर्स के। यही वजह है कि पाकिस्तान को भी भारत के तर्ज पर PSL का आगाज करना पड़ा ताकि उनके खिलाड़ियों को भी इसका फायदा मिले, लेकिन PSL इंडियन क्रिकेट लीग की तरह बड़ा नहीं हो सका और इस बार तो हालात ऐसे रहे कि पूरे स्टेडियम में मैच के दौरान सन्नाटा पसरा रहा। अब तो ये भारत पाक गवर्नमेंट के ही हाथ में कि रिश्तों में कैसे सुधार लाया जाए, लेकिन इसकी पहल तो पाकिस्तान को ही करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।